आगे मैं सीरीज शुरू करने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसमें मैं बताने वाला हूँ आप कैसे अपना मॉडलिंग करियर शुरू कर सकते हैं। सो ये मैं सीरीज प्लान कर रहा हूँ, सो बाय नेक्स्ट मंथ ये सीरीज आ जाएगी अराउंड 3 to 4 एपिसोड्स, जिसमें मैं आपको अपनी जर्नी के बारे में बताऊँगा कि मैं कैसे मॉडलिंग के अंदर गया, क्या क्या स्ट्रगल्स थी, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। What's up YouTube family, my name is Karan and welcome back to Channel K. So, आज की वीडियो में मैं आपको हेल्प करने वाला हूँ, अगर आप में से कोई मेल मॉडलिंग इंडस्ट्री में घुसना चाहता है और उसको समझ नहीं आ रहा कि कैसे शुरुआत करे, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। मुझे काफी टाइम से Instagram और YouTube कमेंट्स में बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आ रहे थे कि भाई बताओ कि मॉडलिंग इंडस्ट्री में शुरुआत कैसे की जाए। तो दो लोगों का नाम मुझे याद आ रहा है, एक है हिमांशु और एक है निखिल, जिन्होंने मुझे Instagram पे DM किया था। तो मैंने उनको कहा था कि एक वीडियो ही बना देता हूं ताकि आप सबके लिए बहुत ही ज्यादा आसान हो जाए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और आगे आगे देखो होता है क्या। पहले मैं आपको टाइप बता देता हूं कि मेल मॉडलिंग में कितने टाइप से आपको काम मिल सकता है। रैम शोज, अब रैम शोज के लिए जो मिनिमम हाइट रिक्वायर्ड होती है वो होती है 5 feet 10 inch। अगर आपकी हाइट 5 feet 10 inch से ज्यादा है तो आप डेफिनेटली क्वालिफाई कर जाते हो रैम शोज के लिए। फोटोशूट, अब फोटोशूट में दो टाइप के होते हैं, एक आ जाता है आपका ई कॉमर्स, दूसरा आ जाता है आपका प्रिंट मीडिया। ई कॉमर्स में आ जाता है आपका फ्लिपकार्ट, अमेजोन। अगर आपने मेरे बिहाइंड द सीन्स वीडियो देखी होगी अंगी क्लोदिंग के लिए, जो मैं हर महीने करता हूँ शूट, वो आ जाता है ई कॉमर्स में। ई कॉमर्स में आपको बेसिकली अपने सामने की प्रोफाइल, राइट लेफ्ट की प्रोफाइल देनी होती है, जो कि आप किसी भी ई कॉमर्स साइट में देखते हैं। प्रिंट मीडिया में आपका आ जाता है बहुत सारे कैंपेन शूट हो गए, जो कि मैं करता रहता हूँ सर्वना स्टोर के लिए, द चेन्नई सिल्स के लिए, तो उसे कहते हैं प्रिंट मीडिया शूट। तीसरी जो बात आ जाती है वो आ जाती है टीवीसी एड्स। अब टीवीसी एड्स बेसिकली वीडियो एड होती है जो कि आप टीवी पे देखते हैं, उन्हें कहते हैं टीवीसी एड्स। अब टीवीसी एड्स के लिए आपको ज़्यादा एक्टिंग आना ज़रूरी नहीं होती, जो बेसिक एक्टिंग होती है कि, बट अगेन दिस कम्स अंडर मॉडलिंग एंड नॉट अंडर एक्टिंग मेजरली। सो ये है तीन टाइप के मॉडलिंग जो कि एक मेल मॉडल कर सकता है। तो बात हो गई इंट्रोडक्शन की, अब आगे बात करते हैं मिनिमम रिक्वायरमेंट्स क्या होती है। सो मैंने आपको जैसे बताया था रैंप के लिए मेल मॉडल की हाइट 5 feet 10 inches, और फोटोशूट के लिए आपको चाहिए होता है एक अच्छा सा पोर्टफोलियो। अब पोर्टफोलियो बनाते हुए दो चीज़ों को आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, वो है कि जब आप पोर्टफोलियो अपना भेज रहे हो किसी कास्टिंग एजेंट को या फिर किसी कास्टिंग डायरेक्टर को, सो अपने चश्मे वाली फोटो ना भेजिएगा, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो आपका पूरा चेहरा देख सके, उसके हिसाब से आपको रोल में डाल सके। और हम बात करते हैं टीवीसी एड की, तो टीवीसी एड के लिए जनरली आपको अपनी एक इंट्रोडक्शन वीडियो भेजनी होती है, जिसमें आपको अपना एज, अपनी हाइट बतानी होती है, लेफ्ट और राइट प्रोफाइल बतानी होती है, और ये जो चीज़ें होती है ये आपका कास्टिंग डायरेक्टर आपको बता ही देता है जब वो आपको ऑडिशन के लिए बुलाता है। चैनल के साथ बने रहिए, आपको करना है सिर्फ दो चीज़ें, एक करना है इस चैनल को सब्सक्राइब, और नीचे कमेंट सेक्शन में जाके आपको अपनी कोई भी क्वेरी, कोई भी सवाल टाइप इन करना है, ताकि वो सवाल का जवाब मैं अपनी अगली वीडियो में आपको दे सकूँ। और आने वाले टाइम में इस चैनल में हम करने वाले हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छा सा टाई अप डिफरेंट फोटोग्राफर्स, मेकअप आर्टिस्ट के साथ, जिनके साथ आप जुड़ के अपना अच्छा सा एक पोर्टफोलियो बना सकते हैं, जेन्युइनली अच्छा पोर्टफोलियो। और मैं अपने इंस्टाग्राम पे काफी ज्यादा रिक्वायरमेंट्स डालता रहता हूँ कि किसी एड के लिए अगर मेल फीमेल मॉडल की जरूरत होती है तो आप मेरे को जरूर इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, क्योंकि उससे आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहेगी और उसके थ्रू आपको काम भी मिल सकता है। सो चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं, कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि मैं आपके सवाल का जवाब दे सकूं। चैनल के साइनिंग ऑफ।